नमस्कार, एवन न्यूज टीवी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। रंगों का सजीला पर्व होली आने वाला है। हिंदू धर्म में होली का महत्वपूर्ण स्थान है। होली का त्योहार फागुन माह में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत भी होली से ही होती है। हर पर्व को मनाने का एक खास दिन और शुभ मुहूर्त होता है। नजर डालते हैं इस साल ये पर्व कब मनाया जाएगा। होली से एक रात पहले होली का दहन किया जाता है, जिसकी पवित्र आग में रात को परिवार के सभी लोग जौ की बालें और शरीर पर लगाया हुआ उपटन डालते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस तरह से घर में खुशहाली आती है और बुरी बलाएं कोसों दूर रहती हैं। इस साल 20 मार्च को होली का दहन है और 21 मार्च को रंग खेला जाएगा। होली का दहन के समय को लेकर कई बार लोगों के मन में काफी भ्रम होता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही होली का दहन करने पर इसका अशुभ फल मिलता है। तो आइए जानते हैं होली का दहन का शुभ मुहूर्त। 20 मार्च को होली का दहन का शुभ मुहूर्त शाम 8:57 से रात 12:28 तक है। इस समय भद्रा पुंछ रहेगा शाम 5:23 से 6:24 तक। इसके अलावा भद्रा मुख रहेगा शाम 6:24 से 8:07 तक। इसके अगले दिन 21 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी, यानी इस दिन आप रंगों में सराबोर होकर जोगी रास सारा राग करेंगे। पूर्णिमा तिथि 20 मार्च को 10:44 से शुरू होकर अगले दिन 21 मार्च 7:12 पर खत्म होगी। तो इन्हीं शुभ मुहूर्त में आपको होली का पर्व मनाना है। आइए जानते हैं होली का दहन की विश्व प्रसिद्ध कथा। राजा हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से बहुत नफरत करता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर हजारों हमले करवाए, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हर बार भगवान ही उसे बचाते रहे। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को भेजा। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। इसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जैसे ही वो आग में कूदी, वो जलकर खाक हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होली का दहन एक परंपरा के रूप में मनाया जाने लगा। होली का दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी देखा जाता है। इसके अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। बात होली की हो और मथुरा वृंदावन की होली की बात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बस मथुरा वृंदावन की होली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। विदेशी यात्री होली के दौरान भारी तादाद में यहाँ होली देखने आते हैं। सिर्फ मथुरा वृंदावन ही क्यों, मथुरा बरसाने की लठमार होली भी पर्यटकों को खूब भाती है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कई साल बिताए, इसलिए यहाँ होली का अपना अलग ही महत्व है। अगर आप वृंदावन की होली में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो यहाँ के बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। यहाँ पानी और गुलाल के रंगों से होली खेली जाती है। मंदिर के पुजारी रंग से भरी बाल्टी और रंगों को भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं। मंदिर में भक्त भगवान के भजनों पर नाचते गाकर होली का आनंद उठाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।